गाइस दे मैं चौहान और आप लोग देख रहे हो आपका अपना मयंक गैराज चैनल। और गाइस आज मेरे सामने खड़ी है किया सेल्टॉस। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो एक गाड़ी नहीं है, इस गाड़ी में जो काम हुआ है वो चीज़ है। तो अभी मैं आ रखा हूँ अपने जैसे स्टूडियो में, यहाँ पे देख लो तो भाई ये गाड़ियों की जितनी मॉडिफिकेशन हो सकती है वो सब आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। तो आप लोगों को जो है आना है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस गाड़ी में वो रखी है एम्बिएंट लाइट लगी है। पहले भी मैं और वीडियोज़ बना चुका हूँ एम्बिएंट लाइट के ऊपर, जो कि गाड़ी की K3 और K4 सीरीज़ आती है, नई जो लाइट्स आई है एम्बिएंट वाली। तो मेरी गाड़ी में जरा पाइप वाली लगी ना, उसके बाद जो है अब ये वाली आती है गाड़ी की लाइट्स। तो अभी दिखाता हूँ भाई इसमें काम हो रखा है। तो ध्रुव भाई ने इसमें काम करा हुआ है, तो एक बार उनसे भी बात करा देते हैं भाई। तो ये रहे ध्रुव भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो इसमें क्या हो रखा है अभी? अभी इसमें हमने गाड़ी की K4 लगाई है। K4 K3 भी आती है और K4 भी आती है। हमने K4 लगाई है। अच्छा, K3 और K4 में क्या डिफरेंस है? K3 और K4 में रेनबो फंक्शन का डिफरेंस है बस। रेनबो फंक्शन का बिल्कुल डिटो सेम है। मैंने सुना है कि मतलब इस लाइट में वो एक अलग पीसेस में आती है बहुत सारे। सब अलग पीसेस में है, डैशबोर्ड का अलग आता है, दरवाजे का अलग आता है, ये फोटो वाली अलग आती है। ये कितने पीसेस वाली होगी? ये 18 पीसेस है। 18 पीसेस, चार दरवाजे और अपना डैशबोर्ड हो गए, डैशबोर्ड के दो पीस हो गए, डैशबोर्ड के नीचे की साइड हो गए। अच्छा अच्छा, हो गए तो ये 18 पीस वाली है। इसमें भी और भी आती है? हाँ जी, और पीसेस में भी आती है। इसमें और भी आती है, 10 पीसेस में आती है। 10 और आपकी इसमें ज्यादा लगाना चाहता है अगर कोई आती है, नॉर्मल कोई ज्यादा लगाना चाहता है तो इसमें 24 पीसेस भी आती है। 24 पीसेस भी आ जाती है भाई। तो यहाँ पे देख लो भाई, अभी इसमें दिखाते हैं अंदर से हम लोग अभी अंदर क्या काम हो रखा है इसमें गाड़ी का। ये लग चुकी है यहाँ पे हमारी लाइट, तो ये देख लो भाई। तो ऐसी कोई लाइट लगती है तो ये देखो, अब ये पूरा पूरा पैटर्न आता है भाई, ये अपना ऐसा पूरा पैटर्न आता है वहाँ से। और जब गाड़ी चालू करते हैं अभी वो भी दिखाऊंगा, सारे दरवाजों में हुई है, डैशबोर्ड में हुई है, नीचे हुई है, एटमॉस्फेयर लाइट जो इसी के साथ में आती है। तो अभी पहले चाबी बंद करता हूँ, देख लो अभी लाइट बंद करी हुई है। और ये ऐप है हमारा, तो अभी ऐप भी दिखा दूंगा, ऐप कौन सा है भाई। तो ये देख सकते हो यार, अपना LED लैंप वाला ही है। तो जैसे मेरी एम्बिएंट उसमें लगी हुई है ना, डेमेनाई लगी है, वही वाला ऐप है। तो ये LED लैंप करके कुछ ऐप आता है। अब गाड़ी में देखो, यहाँ से मैं चालू करता हूँ लाइट तो कुछ ऐसी जल जाती है, ऑफ करूँगा ऐसी बंद हो जाएगी। तो ये देखो अलग अलग पैटर्न्स आते हैं इसमें। तो यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, कोई से भी कलर की आप कर सकते हो, जैसे पिंक कर दिया, ब्लू कर दिया, पर्पल कर दिया। तो बढ़िया भी लगती आ रही है ऐसे रात के टाइम पे, और अच्छी लगती है। प्लस नीचे वाली लाइट्स भी एक साथ कंट्रोल होंगी आपकी, और ये जो बॉटल होल्डर वाली लाइट है ये भी आपकी एक साथ कंट्रोल होंगी भाई। अलग अलग उसमें भी कर सकते हो, मॉड्स में भी लोग ऐसे करते हो, ट्राई कलर भी कर सकते हो, और जो भी आप करना चाहो। ये देखो रेड ग्रेडियंट ऐसे कुछ कर सकते हो भाई, तो ये सब आप कर सकते हो इसमें अपनी लाइट से। बाकी इधर से तो आपको अपना कलर सेट कर ही सकते हो, ये रेड कलर हो गया। पीछे दिखाता हूँ, पीछे से भी दिखाता हूँ, पहले आप यहाँ से देख लो, ये पूरी की पूरी आती है अपनी स्ट्राइप्स यहाँ से लेके पूरी पीछे तक। और ये भी देख लो आगे अपने डैशबोर्ड में दो पीस आते हैं, एक इधर और एक इधर, कोई सी भी गाड़ी में लग जाती है भाई। पीछे दिखाता हूँ मैं फटाफट, देख लो अभी कुछ ऐसी चल रही है। एंड ये देख लो पीछे वाली सीट पे भाई, पीछे वाली सीट पे भी मैं बैठा हूँ, और ये मेरे पैरों के नीचे यहाँ पे आ रही है बिल्कुल, जो रेड लाइट होती है ये जैसे रेड जल रही है ना, तो ये देख लो मेरे पैरों पे आ रही भाई, बहुत सही लग रही है। और रेड कलर ना ऐसा कुछ जल्दी मतलब दिखता नहीं है, और रेड कलर ऐसा लगता थोड़ा डिम भी है। तो ये देख लो ये कुछ डिम नहीं लग रही है, प्लस इसमें थोड़े से ना अपनी फिल्म चढ़ी हुई है तो उस वजह से भी और अच्छे लग रहे हैं। ये देखो कलर चेंज करा भैया ने, एंड अपने स्पीकर के अंदर भी लग रखी है भाई ये लाइट। तो और ऑप्शन आ जाते हैं, अपने स्पीकर के अंदर भी लग जाती है लाइट, ये स्पीकर के अंदर लगी है, सेम लाइट लगती है तो भाई, जो कि बहुत बढ़िया लगती है। इधर भी लगी हुई है, एंड इसमें और ऑप्शन भी आते हैं लाइट की वीडियो। और अभी ये देख लो, ये इसका बॉक्स ऐसे कुछ पैकेजिंग में आती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, गाड़ी की ब्रांडिंग मिल जाएगी आप लोगों को। गाड़ी की ये K4 है, अगर आप लोगों को ये वाली चाहिए तो आप K4 बोल सकते हो, अगर आपको नॉन पैटर्न वाली चाहिए जिसमें रेनबो कलर नहीं आते हैं वो आप K3 भी बोल के ले सकते हो। अलग अलग जैसे भैया ने बता दिया कि अलग अलग पीसेस में भी आती है बहुत सारी, तो ये हमारी 18 पीसेस वाली थी, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया है। इसका प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे अराउंड कितना 10,000 के आसपास बैठ जाता होगा ना, 10,000 के आसपास हो इसका 8, तो इस 18 पीस का 8,000 बैठ जाता है। और अगर आप पीस बढ़ाते रहोगे तो है ना, जो आपका रुपीज़ का अभी पीस के साथ रुपीज़ भी बढ़ते जाएंगे भाई आपके। तो ये भी 18 पीस वाला सेट था, बाकी ये देख लो भाई पूरी ऐसी कुछ लगती है यहाँ पे, जैसे इसमें भी दिखा रखी है, वैसे मैं अभी मैंने कार में भी दिखा दी थी आप लोगों को, तो ऐसे कुछ जलती है रेनबो कलर में। बाकी आप लोगों को चाहिए तो आप आ सकते हो भाई अपने स्टूडियो में, कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस अगर आपको ये अपने वहाँ मंगानी है, जैसे आपकी किसी सिटी में मिल नहीं रही है,
तो इसका शिपिंग चार्ज गाइज अलग जाता है, क्योंकि एक अलग सिटी और एक अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का शिपिंग चार्ज कितना जाता है। तो ये इसका प्राइस अलग है, और जो आपका शिपिंग चार्ज है वो आपका अलग होगा। तो वो आप कॉन्टेक्ट करके भैया से पूछ सकते हो यार, और अगर आप लोगों को लेंगे तो भाई कभी फ़ोन करना, ऐसे परेशान करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं यार, ना किसी का फ़ायदा होता है। तो ये थी कुछ इसकी वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं जैसे नेक्स्ट और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्रांड इन विच मुंडा रहिंदा।